सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग के साथ एक और नई वीडियो और फ्रेश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे वहीं व्यस्त होंगे। फिलहाल आपका भाई भी मस्त है, स्वस्थ है और अपने ही हसीन पहाड़ और अपने गांव में व्यस्त है। सो दोस्तों, हमेशा ब्लॉग और वीडियो को शुरू करने से पहले व्यूज दिखाया जाता है और आप लोग व्यूज पर भी कमेंट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का व्यूज दिखाते हैं, देन आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आज का व्यूज बड़ा ही प्यारा बना हुआ है और ये ऊपरी एरिया से आपको गांव का व्यूज दिखाया जा रहा है और ये है मेन रोड यानी घर के बगल का और यहाँ पे है हमारा घर। ऊपर से यहाँ पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा है और आसमान आप देख सकते हैं काफी स्वच्छ, थोड़ा भी बादल नहीं है, बट उस साइड से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कहीं आग जला हो। और जैसे जैसे मतलब सूखा अपन शुरू हो जाता है तो जंगलों में आग लगना शुरू हो जाता है, तो ये पूरा आप फील कर रहे होंगे कि ऐसा फील हो रहा है, बट पता नहीं आग लगी या नहीं लगी है। और ये पूरा हमारे गांव की धारा और ये यहाँ पर छोटा फील्ड है और अब इसे बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो ये पूरा गांव का व्यूज एक छोटा सा कमेंट जरूर रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज का जो व्यूज था वो आपको पूरा दिखा दिया है, तो व्यूज कैसा लगता है आपको हमारे गांव और हमारा गांव कैसा लगता है आपको, एक बार जरूर भ्रमण पर आ सकते हैं आप लोग। तो चलो दोस्तों, यहीं पर वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हाय हेलो नमस्ते, से मैंने प्रणाम, मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली के ब्लॉक घाट के विलेज लुवाणी में, जो कि मेरा गाँव है। काफ़ी लोग तो हमारे गाँव से अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे और काफ़ी लोग आ भी चुके होंगे, जो नहीं आए हैं तो ज़रूर आएँ यात्रा के टाइम पर घूमने फिरने, और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है हमारे पहाड़ों से, वो सब आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो और ब्लॉग की शुरुआत। अरे थोड़े आग कम करना है, अच्छा आग कम करा, आग कम। देखा कि लोग पूरी बना रहे हैं और कोई उधर सब्जी बना रहा है, हमारे काम है आज चटनी बनाने का। तो इस तरह के उत्तराखंड में जो कार्यक्रम, जो भी काम होते हैं वो पूरे गांव वाले एकजुट होकर करते हैं, कोई भी दिहाड़ी या ऐसा वाला सीन नहीं होता है, सब अपने अपने द्वारा साग सब्जी लेकर आते हैं। और ये हमारे चाचा जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इनको भी कोई ना कोई काम दिया होगा, पूरी बना रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो चलो, हम उधर मुझे पूरी बनाने के लिए बोल रहे हैं, बट मेरा यहाँ का काम नहीं है, मेरा वहाँ का काम है चटनी बनाने का। तो देखते रहिए, उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखने लायक लगती है, तो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड के हर एक एक्टिविटी और हर एक कल्चर को। डलिया वो नहीं, मैं हाँ नहीं पकड़ रहा, नहीं नहीं ये पकड़, कोई बात नहीं, रिस्क ले रहे, दे दियो कम करो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये छांस और ये बन रहा है हमारा रायता, और इसमें ये बूंदी और ये जीरा अदरक सब चीज मिक्स कर रखा है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों, ये रहा भंडार घर जहाँ से कि हम भोजन वितरण के लिए ये सब इकट्ठा कर दिया, जहाँ पर बनाया जाता है उसके बाद यहाँ पर इकट्ठे किया जाता है, और इस तरीके से दो भला आदमी रखे जाते हैं जो कि खाने को वितरण कर रहे हैं। अच्छा, भनारी बोलते हैं, ये सूजी को भनारी लोग बांट दे रहे हैं और यहाँ से हमें देंगे और हम बाहर बांटेंगे। Oh,
मामा जी नमक कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, खाना में बहुत अच्छा स्वाद है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस आपने देखा कि लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं एक साथ प्रांगण में बैठ के, और जो ये सोल्टी वाली व्यवस्था की गई है ये काफी अच्छी व्यवस्था है ताकि साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे, और जो डस्ट है वो पूरा इस सोल्टी में डाला गया है ताकि इसे उठा के कूड़ेदान में डाला जाए ताकि गंदगी ना फैले। पूरा देख सकते हैं आप, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पहाड़ों में मौजूद और एक अच्छी पहल है। तो अभी का टाइम हो रहा है 10 और मैं आ चुका हूँ अपने बॉर्डर लोगों के घर यानी ताऊ जी लोगों के घर, और आज हमारे ताई जी का तो ये नाश्ता करके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज जो 3 महीने का मासिक श्राद्ध था हमारी ताई जी का, जो कुछ समय पहले एक्सपायर हो गई थी, तो 3 महीने का मासिक श्राद्ध इसलिए किया जाता है, जो हमारे बड़े भाई यानी बीच वाले भाई थे अवतार भाई वो क्रिया में बैठे हुए थे, और आज से ही जो मतलब पिठाई लगती है और आज से ही जो मतलब वो भैया छूट जाएंगे, मतलब वो आज से अपना पर्सनल कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आज तक ऐसा होता है कि जब तक मासिक श्राद्ध ना हो तब तक जो क्रिया में बैठा रहता है वो बंधन में रहता है, यानी कहीं जा नहीं सकता और कहीं बाहर खाना नहीं खा सकता, और आज इसीलिए ये श्राद्ध किया गया और ताकि वो आज से अपना काम और कहीं भी जा सकता है और बाहर खा सकते हैं मार्केट में, और गांव वाले देख सकते हैं खाना खा के आ रहे हैं, यानी इसके सारे गांव वालों को इनवाइट किया जाता है मासिक श्राद्ध में, और दिन में भात भी खिलाया जाएगा, अभी नाश्ता करवाया जा रहा है, नाश्ता भी गांव वाले ही बनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अभी ऊपर ताई जी लोगों के घर से नीचे, और ये बर्तन हम छोड़ने जा रहे हैं अभी। आज का जो भी पूरा प्रोसेस रहा खाना बनाना इत्यादि, और गांव में मतलब ज़्यादातर पंचायती बर्तन का प्रयोग किया जाता है, और पंचायती बर्तन जब कम पड़ जाते हैं तो ये हम मतलब कोई मदद में अपने बर्तन देता है तो उन्हीं बर्तनों को छोड़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे बॉर्डर लोगों का बर्तन है और पंचायती भवन ऊपर है, और वहाँ पर हम बड़े बड़े गेड़ गुड़ चासणी क्या क्या होता है वो सब छोड़ के आ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और आज से सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार आज से कोथिक शादी इत्यादि हर जगह हम जा सकते हैं, मतलब खुल चुका है, बाजा गाजा हमारे प्रांगण में बज चुका है। तो दोस्तों ये हमारी परंपरा है उत्तराखंड की, एक संस्कृति टाइप की, जो पहले से हमारे दादा परदादा के टाइम से चलते आ रही है और आज भी चल रही है, हम उस परंपरा को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अभी भी इस बर्तन को देने जाते हैं, वीडियो का एंडिंग तो रात को ही होता है घर के सामने से, तब तक आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर दीजिए यार दोस्तों, और शेयर तो खैर आप लोग करते नहीं हैं, बट हो सके तो कर देना जो अपने हैं और जो मुझे मानते हैं। पहुंच चुका अपने घर के पास में, हमेशा घर के पास से ही वीडियो की एंडिंग होती है। तो दोस्तों आज आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा उत्तराखंड के पौराणिक कल्चर, और मतलब कल्चर तो एक टाइप से माना ही जाएगा क्योंकि एक साथ खाना बनाना, एक साथ खाना खाना काफ़ी अच्छा लगता है, और हमारे पहाड़ में ये परंपराएँ पहले से बरकरार है और भी मतलब उसी रीति रिवाज से चलते हैं जो पहले ज़माने से, आज से लगभग 50-60 साल पहले जो कार्यक्रम यहाँ होता था उसी प्रकार से हम उस शेड्यूल को तैयार करते हैं, और उसी शेड्यूल से हम लोग भी चलते रहते हैं आगे को, और हो सकता है हमारे आगे वाले भी ऐसे ही चलते रहें, जो भी होगा खैर आगे की तो हमें क्या लेना देना। तो इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिला आप कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगी राय जरूर रखें। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं घर के सामने से, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहें मस्त रहें और अपने अपने कामकाजों में व्यस्त रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक आप शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।